आपकी पार्टी इस तरह का विभेदकारी समाज में विभेद पैदा करने के लिए, अस्पृश्यता बढ़ाने जैसे और समाज में एक तनाव बढ़ाने के मसले पर इस तरह के निर्णय आप क्यों लेते हैं कि जिससे समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो? देखिए प्रदेश से समाज में तनाव तब होता था जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तनाव तब होता था जब मुहर्रम के ताजिया जुलूस के बाद सांप्रदायिक दंगे होते थे और उत्तर प्रदेश के जिले जिलों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आया करती थी। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई त्योहार आता था ना तो लोगों के माथे पर से एक सिकन की लकीरें आ जाया करती थी कि क्या यह त्योहार शांतिपूर्वक निपट पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मजहबी तुष्टिकरण की ऐसी सरकारें सपा बसपा की चलती थी जिसमें दंगाइयों पर मेहरबानी की जाती थी और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने पारदर्शिता के साथ सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार करना प्रारंभ किया। आज तय किया कि डीजे की डेसिबल की कितनी डेसिबल में बजेगा, डीजे की ऊंचाई कितनी होगी, तो यह भी तय करने का काम किया कि मुहर्रम में ताजिया का जुलूस निकलेगा तो वो किस मार्ग से निकलेगा और ताजिया की ऊंचाई कितनी होगी। हमने सबके लिए समान रूप से नियम बनाने का काम किया है और सावन का महीना हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना है। कांवड़ यात्रा जो कांवड़ मार्ग पहले से तय है उस मार्ग पर किसी प्रकार से अगर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों को लिख करके आप बरगलाने के उद्देश्य से, अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से खाने पीने की दुकानें खोलते हैं, मतलब तो मुसलमान अपने प्रतिष्ठान का हिंदू नाम नहीं रख सकता 2006 ये उसका मुसलमान हिंदू नाम नहीं रख सकता प्रतिष्ठान का? बिल्कुल रख सकता है, वो बताए कि वो उसका संचालक कौन है। नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि उसका संचालक कौन है। और ये कोई हमने नया कानून नहीं दिया है, ये कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में पारित हुआ था। 2011 में नाम लिखो, डॉक्टर प्रोप्राइटर का नाम लिखो, राज्य में बस जीएसटी भी कहता है कंपनी का नाम और जीएसटी नंबर लिखो आप, लेकिन कर्मचारियों तक के नाम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, किसी हिंदू ने कंपनी का नाम भी है, मालिक का नाम भी है, लाइसेंस नंबर भी है और मूल्य की सूची भी लिखनी होगी। नहीं नहीं ब्रजेश जी, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें कंपनी का ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुसलमानों को इसमें टारगेट कर रहे हैं और आपको आपको लाइसेंस नंबर भी लिखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं टारगेट कर रहे हैं। ये नियम केवल मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया है, ये नियम सबके लिए बनाया गया है। हिंदू हो उसको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा, मुसलमान है उसको भी अपना नाम लिखना पड़ेगा। जिनके सवाल जिनको साथ लेकर के साथ माँ बाप नाम रखते हैं, बड़े अरमान के साथ रखते हैं, जिनको साथ लेकर आप सरकार चला रहे हैं, जो सत्ता में आपके सहयोगी हैं, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा है, वो आपके फैसले का सार्वजनिक खुला विरोध कर रहे हैं। मैं नाम लूंगा राष्ट्रीय लोकदल का, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा होगी, अपनी कार्य पद्धति होगी, उनको विरोध करना है विरोध करेंगे, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। मुसलमान परस्तों का साथ भी चाहिए सर और मुसलमानों का विरोध भी चाहिए सर? नहीं, किसी हमने किसी का विरोध नहीं किया है। ये शब्द आपके हैं, ये विश्लेषण आप करिए, ये विश्लेषण विपक्ष करे कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हो और मैं सवाल पूछ रहा हूं, आरएलडी कहती है कि आपने असंवैधानिक गलत फैसला किया है और ये फैसला वापस लीजिए। माँ बाप नाम रखते हैं भाई बड़े अरमान के साथ, भाई मेरा नाम मेरे माँ बाप ने बड़े अरमान के साथ राकेश त्रिपाठी रखा है, आपके माँ बाप ने आपका बड़े अरमान के साथ रखा होगा, आसिम वकार का नाम इनके माँ बाप ने बड़े अरमान के साथ रखा होगा और कई जगहों पर इसके लिए पूड़ियां भी खिलाई गई होंगी कि नामकरण संस्कार किया गया और नामकरण समारोह किया। सर आप एक बात बताओ, ये कहां लिखा है कि राजा राम भोजनालय जीशान अहमद नहीं चला सकता? कभी कहेंगे नाम नहीं बताएंगे, जीशान अहमद राजा राम भोजनालय क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल चलाए ना, एकदम बिल्कुल चलाएं, बिल्कुल तो चलाएं। आप चिन्हीकरण क्यों चाहते हो? कभी कहते हो कपड़े से पहचानो, कभी खाने से, आप कह रहे हो दुकान के बाहर नाम लिखो कि आपका नाम जीशान अहमद है, आपके यहाँ आसिम भी काम कर रहे हैं। क्यों पहचान छुपाना चाहते हैं? ये पहचान तो क्यों आप पहचानना चाहते क्यों हो? मैं पूछ रहा हूँ ये पहचान क्यों? अब ऐसे में देखो एक बात क्या होगी, क्वालिटी बेहतर होगी आपकी, आपके आपका हमारे समाज में ना जाती अच्छा होगा तो बाजार खाएंगे ना। राकेश जी एक सामाजिक मुद्दा उठाते हैं। अब देखिए हमारे समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत से इनकार तो हम कर नहीं सकते, आज भी एग्जिस्ट करती है। अब मान लो कोई वाल्मीकि है, कोई पासी कम्युनिटी का है, कोई शाक्य है, सैनी है, या कोई ऐसी जाति का जिसको सामाजिक तौर पर उतनी मान्यता नहीं मिलती है, मान लो जाटो है, अगर वो अपनी दुकान के बाहर लिख लेगा कि वो वाल्मीकि है और ढाबे पे, तो भेदभाव का शिकार नहीं होगा? हो रहा है सर, ये उनका ज्यादा नुकसान है, मुसलमान का क्या गया? नहीं नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। वाल्मीकि के यहाँ कौन जाएगा फिर कह रहा जब लिखा होगा संतोष वाल्मीकि की दुकान है तो कोई जाएगा जल्दी? नहीं बिल्कुल नहीं होगा,
जैसे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं नहीं होगा। अगर फूड क्वालिटी बेहतर होगी, अगर रेट अच्छे होंगे, साफ सफाई होगी, शुद्धता का ध्यान होगा, तो निश्चित तौर पर नहीं होगा। मैं आपके सहयोगी कह रहा हूं और उदाहरण दे रहा हूं, होता था पहले, कब होता था, जब ये कांग्रेस की सरकार, ये सुरेंद्र राजपूत आपके सहयोगी को बुला लेते हैं, थोड़ी सी सुन लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं होगा, क्या है कि लगातार सवालों में बात पूरी नहीं हो पाती है। सर आप आधे मिनट का समय दीजिए, बात तो पूरी कर, ये सुरेंद्र राजपूत जी की सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी ना, तो कैसे यूसुफ खान को अपना नाम बदल करके दिलीप कुमार करना पड़ता था, क्योंकि यूसुफ खान के नाम पर लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये सलमान खान के नाम पे, शाहरुख खान के नाम पे, आमिर खान के नाम पे लोग खूब फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी को नाम नहीं बदलना पड़ रहा है, डंके की चोट पर बता रहे माई नेम इज खान और खान को देखने के लिए सब जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। आपकी सर मैं तो कहता हूँ एक नियम लाओ कि सलमान खान हर वक्त अगर बड़े राज बने हो, राज मल्होत्रा, वो तख्ती लटकाए रहे। ठीक, अनिल दुबे को लाया जाए स्क्रीन पर, राकेश त्रिपाठी के सहयोगी हैं और ब्रजेश जी फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है, नहीं शुरुआत में नहीं सर, आप तो परमानेंट डिस्प्ले चाहते हो ना, कि सबसे पहले हीरो परमानेंट डिस्प्ले चाहते हो। मैं अनिल दुबे आपके सहयोगी, उनको बोला डिस्प्ले नहीं है सर, आज तो करेंगे ना, आज आप अपने स्वभाव के विपरीत उत्तेजना प्रकट कर रहे हैं, आप ऐसे नॉर्मली बिहेव नहीं करते, आप बहुत ही फाइन क्वालिटी के प्रवक्ता हैं, पर आज आप कुछ असहज और उत्तेजित हैं, सवाल का जवाब नहीं देने दे रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर पूरा समय दे रहा हूँ, एक एक दर्शक गवाही दे रहा है सर, आपके दोस्त सवाल है, एक ले लें, एक सेकंड रुके दुबे जी,